हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जीके में चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है वो है ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इसमें हमें जो कुछ जो फ्लावर्स है, पुष्प है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, फ्लावर्स इन अ गार्डन मेक द गार्डन लुक ब्यूटिफुल एंड कलरफुल। कैन यू गेस द नेम्स ऑफ दीज फ्लावर्स? किसी गार्डन में जो फ्लावर्स होते हैं, पुष्प जो होते हैं, वो गार्डन की सुंदरता को बढ़ा देते हैं और उसे बहुत कलरफुल बना देते हैं। तो नीचे जो फोटो दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि ये कौन से जो है फ्लावर्स है। ठीक है, सबसे पहला जो दिया हुआ है फ़ोटो, उसमें वो जो है फ़ोटो वो है लिली का। ठीक है, लिली का है। सेकंड नंबर पे जो है फ़ोटो वो है रोज़ का, यानी गुलाब का। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो फ्लावर है उसका नाम है मैरी गोल्ड। ठीक है, मैरी गोल्ड यानी गेंदा। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वो है फ्लावर हिबिस्कस। हिबिस्कस यानी गुड़हल का पुष्प। उसके बाद फाइव नंबर पे है प्योनी, प्योनी का फ्लावर। और उसके बाद लास्ट जो है वो है फ्लावर जो है वो है सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो है चूज़ द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। दिस फ्लावर इज कॉमनली कॉल्ड चाइना रोज़। कौन सा फ्लावर जो है जिसको कॉमनली यानी सामान्य तौर पर हम उसको चाइना रोज़ जो है कहते हैं? तो जो हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है उसको चाइना रोज़ कहा जाता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो है हिबिस्कस। उसके बाद सेकंड नंबर पे है द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा लोटस, यानी जो कमल का फूल है लोटस, वो इंडिया का नेशनल फ्लावर है। उसके बाद थर्ड नंबर है द फ्लावर दैट हैज़ थॉर्न्स ऑन इट्स स्टेम, यानी कौन सा फ्लावर है जिसके जो तना होता है, स्टेम होता है, उसके ऊपर कांटे लगे होते हैं? तो वो जो फ्लावर है वो है रोज़ का यानी गुलाब का। उसके बाद फोर्थ नंबर है द फ्लावर दैट ऑलवेज फेसेस द सन, यानी वो फ्लावर जो कि हमेशा सूरज की तरफ रहता है। तो सूरज की तरफ जो है वो है सन फ्लावर यानी सूरजमुखी। सूरजमुखी जो है हमेशा जो है वो सूर्य की तरफ रहता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है। इसमें आपको जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वही आपको इसमें करना है, फर्स्ट वाला नहीं करना, सिर्फ सेकंड वाला जो है बी नंबर वही इसमें होमवर्क में करना है। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 द फैक्ट अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में कुछ फैक्ट जो है वो इसमें बताए गए हैं। प्लांट के बारे में कुछ बातें बताई हुई है। ठीक है, उनका नेम द फॉलोइंग, नीचे कुछ स्टेटमेंट है उसके बारे में हमें बताना है कि वो किसके बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है अ प्लांट विच ग्रोज वेयर इट इज़ नॉट वांटेड, यानी वे प्लांट जो कि अनचाहे प्लांट होता है, यानी हम नहीं चाहते हैं फिर भी वो उग जाते हैं, तो उनको बोला जाता है वीड, यानी जो खरपतवार होती है खेत में
वो जो प्लांट होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको वीड बोला जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर है, ड्यूरिंग डे टाइम द प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज अ गैस विच इज़ कॉल्ड, दिन के समय प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक गैस जो है वो छोड़ते हैं, तो वो गैस जो है उसका नाम बताना है। तो वो गैस जो है वो जो प्लांट्स छोड़ते हैं रिलीज़ करते हैं वो गैस है ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर है, बुद्धा अटेंड एनलाइटेनमेंट अंडर दिस ट्री, यानी इसका मतलब है कि जो गौतम बुद्ध थे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन से पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो जो पेड़ था वो था पीपल का, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने जो है तपस्या की और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल। इसके बाद नेक्स्ट है, अ स्पेशल ग्लास बिल्डिंग इन विच प्लांट्स कैन बी ग्रोन ऑल द ईयर राउंड, यानी ऐसा कांच की ऐसी बिल्डिंग जिसमें कि प्लांट्स जो है उनको पूरे साल जो है वहाँ पर उगाया जा सकता है। तो जो ग्लास बिल्डिंग होती है उसको कहा जाता है ग्रीन हाउस, ठीक है, वो पूरी कांच से जो है कवर होती है और उसमें जो है सूरज का जो प्रकाश होता है वो उसमें आता है लेकिन वापस जो है वो नहीं जा पाता है, इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, इसके कारण जो प्लांट्स जो है काफ़ी इसमें उगाए जा सकते हैं, जो इसको बोला जाता है ग्रीन हाउस। उसके बाद नेक्स्ट है, द प्लांट हुज लीव्स आर यूज्ड एज प्लेट्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी वह पौधा जिसकी जो पत्तियां हैं उसका यूज जो है जो इंडिया के सदर्न पार्ट है दक्षिणी भाग जो है वहाँ के लोग जो है उसको प्लेट के रूप में उसका पत्तियों का यूज़ करते हैं, तो वो जो प्लांट है वो है हो जाएगा बनाना का, बनाना प्लांट की जो पत्तियाँ होती है उसको जो लोग है वो प्लेट के रूप में यूज करते हैं, ज़्यादातर जी जो साउथ के स्टेट है उनमें लोग यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, शुगर इज मेड फ्रॉम द जूस ऑफ द स्टेम ऑफ दिस प्लांट, यानी इस प्लांट से इस प्लांट का जो स्टेम है उसके जूस निकाल कर उससे जो है वो शुगर बनाई जाती है, तो ये जो प्लांट है वो है शुगर कैन, ठीक है, शुगर कैन जो है उससे शुगर बनाई जाती है, जो गन्ना होता है गन्ने के तना जो होता है उसको उसका जूस निकाल कर फिर चीनी बनाई जाती है। नेक्स्ट है, द सब्सटेंस फाउंड इन लीव्स एंड सॉफ्ट स्टेम्स ऑफ प्लांट्स विच गिव्स देम ग्रीन कलर, यानी वह पदार्थ जो कि पत्तियों में पाया जाता है और प्लांट के जो सॉफ्ट स्टेम्स है मुलायम तना है उसमें पाया जाता है जो कि उन्हें हरा रंग प्रदान करता है, यानी पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है, तो वो जो हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल एक सब्सटेंस होता है जो कि हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड, यानी वह प्रोसेस वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्लांट्स जो है अपना फूड
खुद बनाते हैं, तो वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, यानी जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस के द्वारा पत्तियां जो है सूर्य के प्रकाश के द्वारा और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है अपना फूड जो है वो बनाती है। फिर नेक्स्ट है, ऑल दैट अ ग्रीन लीफ नीड्स टू मेक फूड आर सनलाइट, एयर एंड डैश। हरी पत्तियां जो है उनको भोजन बनाने के लिए एक तो सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, एक हवा की ज़रूरत पड़ती है और ज़रूरत पड़ती है वाटर की। तो इसमें आ जाएगा वाटर, ठीक है। पत्तियों को खाना बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, हवा चाहिए और पानी की ज़रूरत जो है पड़ती है। और पानी जो है वो जो रूट्स होती है उनके द्वारा ज़मीन से उसको एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। लास्ट है, मोस्ट सेक्रेट प्लांट फॉर हिंदू वुमेन विच दे वर्शिप एवरी मॉर्निंग। जो हिंदू महिलाएं हैं उनके लिए सबसे पवित्र प्लांट जिसकी वे हर सुबह उनकी पूजा करती है, तो वो प्लांट जो है उसका नाम है तुलसी, ठीक है। तुलसी प्लांट की जो महिलाएं हैं वो उसकी पूजा करती है। ओके, तो ये चैप्टर भी हमने कर लिया है और ये भी आपको पूरा चैप्टर जो है वो होमवर्क में आपको करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।